जीवा कॉर्ड। कागज पर एक वृत्त खींचकर उसकी परिधि पर कोई भी दो बिंदु लें। आकृति दो में दो बिंदुओं P और Q को दिखाया गया है। दोनों बिंदुओं को मिलाने पर रेखाखंड PQ बनता है। यह रेखाखंड वृत्त की एक जीवा है। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसे कितने रेखाखंड होंगे जिनके अंत बिंदु वृत्त पर हों? आप पाएंगे कि ऐसी अनंत जीवाएं हैं। करके देखें। पहला, नीचे दी गई आकृतियों में जीवा की पहचान करें। दूसरा, क्या जीवाएं एक ही लंबाई की हैं? तीसरा, सबसे लंबी जीवा कौन सी है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। एक वृत्त जिसका केंद्र O है, इसमें विभिन्न जीवाएं A, B, C, D, E, F और M, N आदि खींची गई हैं। आकृति 7। इन सभी जीवाओं की लंबाइयों का अवलोकन करें। A, B व M, N में कौन बड़ी है? C, D व M, N में कौन बड़ी है? इसी प्रकार जीवा E, F व M, N में किसकी लंबाई अधिक है? जीवा A1, B1 और M, N में से आप देख सकते हैं कि जीवा M, N की लंबाई सबसे अधिक है। क्या जीवा M, N में कोई विशेष गुण देख पा रहे हैं जो शेष जीवाओं में नहीं है? जीवा M, N वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। उस जीवा को जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, वृत्त का व्यास कहते हैं। क्या आप वृत्त में व्यास से भी बड़ी जीवा खींच सकते हैं? नहीं, आप पाएंगे कि व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। सोचें एवं चर्चा करें। क्या आकृति 7 में एम एन के अतिरिक्त और भी व्यास खींचे जा सकते हैं? यदि हाँ, तो ऐसे कितने व्यास खींचे जा सकते हैं? चलिए बच्चों, जो हमने वृत्त लिया था, उस वृत्त पर दो बिंदु ए बी ले लेते हैं और ए को बी से मिला देते हैं। ये जो रेखाखंड है जो वृत्त की परिधि पर दो बिंदुओं को मिलाता है, इसे हम वृत्त की जीवा कहते हैं। ये ए बी एक जीवा है, सी डी एक जीवा है, एम एन भी एक जीवा है और पी क्यू भी एक जीवा है। बच्चों, क्या आप इन सभी जीवाओं में सबसे बड़ी जीवा बता सकते हैं? बिल्कुल सही, ये एम एन जीवा जो है, ये ही वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है, क्योंकि यह केंद्र से होकर गुजर रही है। वृत्त में कितनी भी जीवाएं हम खींचे, जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, वही वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है और उसे हम वृत्त का व्यास कहते हैं।